तो हेलो गाइज, कैसे हो सब लोग? वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइज, आज वाली वीडियो में मैं कहीं कैसल क्रश खेलने वाला हूँ। शायद आप लोगों ने मे बी इस गेम का नाम सुना हो और शायद सुना भी होगा, क्योंकि यार ये काफ़ी पुराना भी गेम है और फेमस भी है। और इन शॉर्ट गाइज, बात करूँ तो देखो, इस वाले गेम में भी मैं पार्टनर बन चुका हूँ। जैसे जूबा में हूँ ना, जैसे पार्टनर प्रोग्राम होता है जूबा का, ऐसा इस वाले गेम का है। और ये भी वाइल्ड लाइफ का ही गेम है एक तरीके का, मतलब उन्होंने प्ले स्टोर पर दूसरी कंपनी के नाम से दे रखा है, बट ये भी वाइल्ड लाइफ का ही गेम है। तो इस वजह से भाई उन लोगों ने बताया कि भाई कैसल क्रश में जो भी आना चाहता है आ जाओ। तो मैंने कहा चलो भाई चलते हैं कैसल क्रश में, क्या दिक्कत है। और ये मेरे को थोड़ा थोड़ा ठीक लग भी रहा है, तो इसे खेलते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। और वो लोग मेरे को जेम्स वगैरह तो देते ही हैं, तो फिर हो ही जाएगा भाई, चेस्ट वगैरह खोल ही लेंगे हम लोग आराम से और इस गेम में आगे भी बढ़ जाएंगे। तो अभी गाइस करंटली मैं कैसल 4 पर हूँ। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताना कि कौन कौन कैसल क्रश खेलता है और कौन से कैसल पर है, ठीक है। और यहाँ पहले ये वाली क्रेट खोल लेता हूँ मैं, ये वाली सर सिल्वर क्रेट है ना, सिल्वर वाली खुल जाना, खुल गई, बड़ी देर में खुली है। तो यहाँ से मेरे को ये वाले कार्ड मिले हैं, थोड़े से और मिल जाते तो मैं इसे अपग्रेड कर लेता, ठीक है। बाकी एक फ्री वाली चेस्ट भी खोल लेते हैं, वह एक दो मैच और जीत जाऊँगा ना मैं, उसके बाद विक्ट्री चेस्ट खुल जाएगी। तो यहाँ पर न्यू कार्ड अनलॉक हो गया है, रेज वाला कार्ड है, ठीक है। इस वाले कार्ड को मैं देखूँगा भाई क्या सीन होता है। मेरा गाइस देखो डेक अभी ये है, तो गाइस अभी देखो मैं इस गेम में नया हूँ, तो आप लोग यार बताना मेरे को क्या क्या यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अभी तो मैंने भाई जो मेरा मन में आ रखा है वो मैंने लगा रखा है। मैं एक मेरे साथ अभी ऐसा हो रहा है, एक जीत रहा हूँ तो दूसरा हार रहा हूँ, एक जीत रहा हूँ फिर दूसरा हार रहा हूँ। तो अभी आप लोग मेरे पास देख लो कितने सारे कार्ड हैं, तो आप लोग बताना मेरे को कौन कौन से अच्छे रहते हैं। अभी ये वाला कार्ड देख रहे हो, ये वाला मेरे को अभी मिला था स्टॉर्म एलिमेंटल वाला, तो ये मेरे को सही लगा, ठीक है। मतलब पर इसमें यह है थोड़ा टाइम चाहिए इसके लिए बड़ा होने के लिए, तब ज़्यादा बढ़िया रहता है। और बाकी के यहाँ पे मेरे पास ये सारे कार्ड हैं, ये वाली यूज़ करनी चाहिए क्या? ये 6 उसकी है, 6 मतलब एनर्जी वगैरह जो रखी जाती है वो है। और ये वाला कार्ड भी बहुत अच्छा है, इसकी डैमेज वैमेज काफ़ी अच्छी है। ये मैं यूज़ नहीं कर रहा क्या इसे? वैसे यूज़ तो कर लेना चाहिए मेरे को, 6 लेवल का है, तो किस जगह पर यूज़ करूँ पता नहीं। चलो ठीक है, कोई टेंशन नहीं, बाद में यूज़ कर लेंगे। तो अभी गाइस मेरे पास इतने कार्ड हैं, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि पहले गेम स्टार्ट कर लेते हैं। सामने वाला बंदा डॉक्टर 1231 ट्रॉफीज हैं, ठीक है भाई, बंदा तो ठीक ठाक लग रहा है खेलने में। उसके पास ट्रॉफीज भी बहुत ज़्यादा हैं मेरे कंपैरिजन में, तो बहुत ज़्यादा है। उसका कैसल पर 4 लेवल का है, मेरा 7 लेवल का है, सही खेलता है वो, उसका मतलब ये बंदा। यहाँ से इस वाले को मैं छोड़ दूँ क्या? अभी स्टॉर्म एलिमेंट वाले को मैं सोच रहा हूँ कि छोड़ देते हैं, बड़ा हो लेगा शायद टाइम टाइम पर। ये वाला है ना जो अभी मैंने पीछे छोड़ा है, ये टाइम के साथ बड़ा होता जाता है, मतलब इसकी पावर बढ़ती जाती है, तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया है। जितनी देर तक फील्ड में रहेगा उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा ये, इसकी ये खासियत है। तो अभी यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि इसे पीछे कर दूँ क्या? ओ बच गया भाई, मेरी वो तो मर गई बट मैंने इसे बचा लिया। ये और बड़ा हो जाएगा, मैंने पीछे से लिए क्या, क्योंकि ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाए वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो ठीक रहेगा। तो अभी अबे यार मैं तो बड़ा कर रहा था, उसने मुझे ही मार दिया। अरे लोलो, उसका फ़ायदा क्या हुआ फिर भाई बड़ा करने का? बस इसमें यही है, उस वाले को अगर आपने ढंग से बड़ा कर लिया तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट करके देगा, बट वरना मर जाता है फिर वो जल्दी से। तो यहाँ पे ये छोड़ देते हैं, ये भी एक लेजेंडरी कार्ड है, इसके क्लोन बन जाते हैं तीनों लाइनों में, तो इससे फटी बढ़िया रहता है, अपोनेंट कंफ्यूज वगैरह हो जाता है, ऐसा इसके कार्ड पर लिखा था। इसने आग भाग सब फेंक रहा है बंदा, और ये बंदा हार रहा है मेरे से, ठीक है बढ़िया। मेरे को लग रहा था कि अच्छा खेलता होगा, क्योंकि इसकी ट्रॉफीज बहुत ज़्यादा है ना, इसीलिए मैंने सोचा ऐसा। तो अभी हम लोग इसी वाली लाइन पर फोकस करते हैं पूरा, ये टूटने वाला, टूट ही गया उसका जब तक। ये वैसे सही है भाई, एक लाइन में मैं तो भाई पूरा फोकस कर लेता हूँ। बाकी क्या आप लोग कमेंट करके बताना जो भी इस गेम को खेलता है स्ट्रेटेजी वगैरह, जिससे कि मैं भी अच्छा हो जाऊँ उस गेम को खेलने के लिए, ठीक है। और एक और बैटल कर लेते हैं, चेस्ट का स्लॉट ठीक है कोई बात नहीं, फुल हो जाए तो, वैसे भी चेस्ट का तो फुल ही बना रहता है यार, 4 बैटल खेलने से ही। तो यहाँ से कहा मेरी दूसरी वाली बैटल जी स्टार्ट हो चुकी है, और ये तो बराबरी का ही बंदा आया भाई, 1220 ट्रॉफी है उसके पास, भी ज़्यादा ट्रॉफी नहीं है। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, पहले अपनी आर्चर्स को छोड़ते हैं, और मेरे को बॉम्ब फेंक दूँ क्या इस पर? चलो बॉम्ब फेंक देते हैं, जिससे बॉम्ब मैंने इसलिए फेंका क्योंकि ये कार्ड वाली एनर्जी है ना बढ़ जाए नेक्सी से। अभी ये छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी तक ये बंदा छोड़ क्यों नहीं रहा है? शायद कुछ बड़ा बंदा छोड़ना चाह रहा है, पता नहीं क्या है। तो यहाँ से कहा मुझे नहीं समझ में आ रहा ये वाला बंदा क्यों नहीं छोड़ रहा, पता नहीं क्या छोड़ेगा। मैं यहाँ पे एक और छोड़ देता हूँ अपना तीरंदाजी, ये मेरे को सही लगता है भाई, पीछे से मारता रहता है, 2-3 छोड़ दो ना ये तो, पर 2-3 छूट नहीं पाते हैं, उससे पहले कुछ ना कुछ हो जाता है। मैं सोचा हूँ कि अगर ये फ्री की बन मिली है तो एक और मैच हमें खेल लेना चाहिए, 3 मैच तो कम से कम बनते हैं। ये वाला तो हम लोग फ्री फंड में जीत गए, चलो बढ़िया है भाई, फ्री फंड में जीते हैं। मेरी ट्रॉफी भी 1260 हो गई, इसको भी खोल लेते हैं, कुछ अच्छी सी चीज़ मिल जाए इसमें से तो मज़ा आ जाएगा। अच्छा ये इसका कार्ड मिला है, और इधर गोलम का मिला है, अरे थोड़ा सा, अरे यार 10 और मिल जाते तो मज़ा आ जाता, गोलम का लेवल बढ़ जाता मेरे का। कोई नहीं, मेरा गोलम का लेवल अभी कितना पैसा, गोलम 4-6 लेवल का है मेरा गोलम का, ठीक है। इसमें सबसे यूजलेस चीज़ क्या है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को भी नहीं पता। ये तीरन वाले जो तीर वाले मैं दो यूज़ कर रहा हूँ, इसकी जगह कुछ और यूज़ नहीं कर सकता। वही रेस गार्ड एक और ट्राई करके देख लेते हैं इसकी जगह पर, ठीक है, लेट्स सी क्या होता है इस वाले रेस से। तो यहाँ से कहा था हमारा रॉडरी के साथ मैच लगाया, और इस बंदे के पास ट्रॉफीज भी मेरे बराबर ही सी समझ लो, हालांकि मेरी ज़्यादा है, कोई नहीं। तो यहाँ से बॉम्ब फेंक के एकदम तैयारी करते हैं हम लोग। ये ले मैंने पहला अटैक किया है,
और मेरे कार्ड का रिचार्ज हो रहा है और रेज वाला हो रहा है। ओह हाँ, ये भी इमोट वगैरह भी भेज लेते हैं। ये ले, मैं भी गुस्से वाले दिखाता हूँ एक्चुअली। ये छोड़ूँ क्या? यार इसके लिए हाँ छोड़ देना चाहिए मेरे को। ये मेरे को पीछे छोड़, चलो ठीक है, उसने अपने आप ही पीछा कर दिया। इसे छोड़ देते हैं, जब तक गोलम आएगा थोड़ी बहुत डैमेज देता रहेगा। और जैसे ये बंदे इसके पास पहुँचेंगे ना, मैं अपना टॉर्नेडो छोड़ दूंगा, जिससे कि मेरा ये बड़ा वाला बंदा और बड़ा हो जाए। ये वाला, इसको मेरे को बड़ा करना है, पावरफुल फुल पावर वाला आ जाए, ये मज़ा आएगा। इसकी डैमेज बहुत पड़ती है जब ये बड़ा हो जाता है ना फुल, तो बहुत ज़्यादा तगड़ी डैमेज पड़ती है इसकी, इसलिए मज़ा बहुत आता है। मर मत जाइयो प्लीज़, सबसे पहले अगर तू मराना तो तेरे को मारूंगा मैं फिर। हाँ ये देखते हैं ये क्या चीज़ है। मैं ओके, तो मैंने इससे, अच्छा डैमेज ज़्यादा देता है, ठीक है डैमेज बढ़िया देता है। ये देखो इसने लेजेंडरी कार्ड छोड़ा है अपना, जो कि बढ़िया है। मेरा शायद वो मर गया, स्टॉर्म एलिमेंटल, इसे मार देते हैं यहाँ से, शायद वो टूट ही जाएंगे। अरे टूट ही गए, वो क्लोन्स थे एक्चुअली में, तो टूट ही जाएंगे। ये 2 लेवल के ड्रैगन ने मेरे 3 लेवल के ड्रैगन को कैसे मार दिया भाई। आ जाओ क्लोन से लड़ाई करो, ऐसे ही मारते हैं। मेरे अभी इसमें मोस्टली सारे कार्ड खुल चुके हैं, बट कुछ कुछ नहीं खुले हैं। कैसल 3 के कार्ड नहीं खुले हैं अभी, वो अलादीन वाला नहीं खुला। अबे ये क्या हो रहा है, इसे छोड़ो जल्दी से ओकरे को। इसका लेवल 7 का भारी पड़ गया है मेरे छोटे से बंदों पर। आ जा भाई, इसको मारिए, बहुत ज़्यादा डैमेज देता भाई। इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म कर, जल्दी से जल्दी ख़त्म कर इसे। अरे यार इसकी आग बड़ी पावरफुल है यार, इतनी पावरफुल आग कैसे है? वो निपटा देता 2 मिनट में। ये कौन है भाई? ये वाला कार्ड तो मैंने पहली बार देखा है अपोनेंट का। ये राक्षस जैसा, राक्षस भी नहीं एक्चुअली, कीचड़ वाला बंदा लग रहा है मेरे को तो ये। चलो ये भी मर गया। वे यार ब्लैक नाइट को भेजो, ये ऐसे नहीं मारेंगे। ओग्रे भाई तू भी जा यार, थोड़ी सी मदद करवा बंदे की। ये सबसे पहले, अरे यार अब तो, अरे यार एक हिट नहीं थे पाया वो तो। इसे मारो गोल चार्ज भाई, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। उसने भाई सारे बंदे छोड़ दिए इसी लाइन में। अभी तो मैं गेम लग रहा था कि जीत जाऊंगा, बट अभी थोड़ा सा पल्ला भारी पड़ रहा है यार। एक मिनट ये देखते हैं, रेस वाला कार्ड आ जा भाई, ये जल्दी छोड़ देना। ओके 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 ओके, लगने वाले हैं अब तो, पक्का लगने वाले हैं। ठीक है मेरा ब्लैक नाइट आएगा अभी, 10 लेवल का है वो। रेस वाला कार्ड यार बकवास है, वो इतना ज़्यादा मज़ेदार कार्ड नहीं है। पीछे करते हैं भाई, टोर्नेडो सही समय पर आ गया, वरना तो मेरे लगने वाले थे यहाँ पर। ये वाला गेम गाइस मुझे तो लग रहा है कि हाथ से निकलता हुआ लग रहा है। मेरे कार्ड भी देख रहे हो, एक एक लेवल के छोटे छोटे चिंदी चिंदी कार्ड आ रहे हैं यार मेरे पास। वो पता नहीं कि आग उसकी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मेरे को भी आग लगा लेनी चाहिए लिटरली मैं उसकी आग। ओ यार इतने सारे कैसे छोड़ दिए उसने लाइन में, क्या चल क्या रहा है भाई ये, मतलब कुछ भी चल रहा है क्या ये? यार उधर से उसने वो छोड़ दिए स्केलेटन, उस वाली लाइन में अलग हैं, इस वाली लाइन में अलग हैं। गया गाइस, ये वाला गेम तो लग रहा है कि गया अपना। ये छोड़ देता हूँ मैं, जिससे कि थोड़ी सी राहत मिले उन स्केलेटन से। ब्लैक नाइट भाई मदद कर मेरी, ब्लैक नाइट भी कुछ कर सकता है, वरना तो कुछ नहीं हो सकता। ये लो बीच में भाई, मेरी मतलब कोई इज्जत ही नहीं है मेरे कार्ड की भाई। 2 मिनट में मार देता है मेरे कार्ड को तो ये। ये ऑग्रो इसका सामना कर सकता है क्या? लेट्स सी, देख लेते हैं। ओके अच्छा वो तो क्लोन है, तो वो डैमेज बिल्कुल नहीं देता है। ठीक है लग गए, वैसे भी हमें फ़ायदा क्या रहा। गेम में तो सही तो चल रहा था, पर पता नहीं उस बंदे ने इकट्ठे एक साथ ऐसे कैसे छोड़ दिए, मुझे भी समझ नहीं है। उसके पास कार्ड बहुत अच्छे अच्छे हैं, मेरे पास अभी सारे कार्ड अनलॉक नहीं हुए हैं। देखो मेरे पास कैसल 4 के तो सारे अनलॉक हो चुके हैं, कैसल 3 के नहीं हुए हैं, कैसल 3 के 2 नहीं हुए हैं, बाकी मेरे पास सारे कार्ड हैं। हाँ जहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ ना, वहाँ तक मेरे पास सारे कार्ड हैं अभी तक। और ये वाला बंदा जो मेरे अभी अपोनेंट में आया था, उसके पास कुछ अच्छा सा कार्ड था, ये वाला कार्ड था उसके पास, ये वाला, तो वो कैसल 5 में था बंदा। ठीक है बस उसकी ट्रॉफीज तो बहुत कम थी पता नहीं। ओके तो गाइस देखो, अगर ये वाली वीडियो गाइस आपको थोड़ी सी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जो करना, और सबसे इंपॉर्टेंट गाइस कमेंट जो करना कि आप लोग ये वाला गेम खेलते हो या नहीं खेलते, और खेलते हो तो गाइस कमेंट में टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे को बता देना। ठीक है तो आज वाली वीडियो में इतना ही, बाय बाय।